खुदामंद से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मलाकी नबी की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 13वीं से 18वीं आयत तक। खुदामंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रबुल अफवाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हुजूर मातम करना ला हासिल है, और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर परमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन से मतवजा होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रबुल अफवाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मल्कियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे और सादक और शरीर में, और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो।